लाख रुपया ले ली अपना कच्चा तक अपने पैसा से नहीं खरीदते हैं। डेली सेक्स करते थे ई डेली साथ में रहते थे डेली से हाँ डेली गाला दबाया गया सब देखिएगा पूरा गाला दबाया गया। यही सब करते हो बोल रही है कलर कॉलर पकड़े चल मेरे साथ रूम में चल अभी मेरे साथ हाँ चल मेरे साथ होटल में चल अभी बोल रही है। दोस्तों महिला थाना के अंतर्गत ये महिला गई थी और इनके पति पति की बात जो है ये कह रही है कि मेरा पति अभी नहीं है लेकिन दो बच्चा है इनके साथ और ये कह रही है तीन बच्चा इनके साथ है। ये महिला पहले इनसे ही जानेंगे कि आखिर आपके साथ क्या हुआ है। मेरा साथ करीब मेरी बेटी का तबीयत खराब था उसमें ही हमको 25,000 रुपया दिए ठीक है। उसके बाद से मेरे पास मतलब पैसा नहीं हो रहा था हम नहीं दे पा रहे थे तो मेरे साथ डेली संबंध बनाते थे डेली सेक्स करते थे ई डेली साथ में रहते थे डेली हाँ डेली उसके बोल रहे हैं कि तीन दिन साथ रहे हैं। नहीं झूठ बोल रहे हैं क्या अरे भैया हम झूठ नहीं बोल रहे हैं मेरे से जबरन है पैसा डेली मेरे से ठगती थी एक बार करने के बाद फोटो ले ली और डेली मेरे से पैसा ठगती थी। पैसा लिया आपसे फर्स्ट टाइम 25,000 ली फिर होटल में रहने लगी दो तीन दिन रही वहाँ से सब रूम रेंट का पैसा बोल देते कि तुम ही भरो तुम ही दो सब चीज मेरे से ही लेती थी पैसा ही। लगभग कितना पैसा ले लिए लगभग 2 लाख ले लिए टोटल पैसा एक मिनट लगभग मेरे से 4 लाख रुपया ले लिए अपना कच्चा तक अपने पैसा से नहीं खरीदते हैं और अपने माँ के कसम खा के बोले किस भी यहाँ पे लिए हम सिर्फ 25,000 रुपया लिए उसके अलावा 1 रुपया नहीं लिए। किस बात को लेकर लिए थे बस बच्चा का तबीयत खराब था उसमें 25,000 रुपया दिया था। कहाँ पे मुलाकात हुई दोनों की दरबार में हुआ था बाबा के दरबार में। तो आपके पहले हस्बैंड है नहीं हम पहले हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं जानते कहाँ है कहाँ नहीं। जो आपका अभी ठंड में तड़प रहा है वो कहाँ से आया दो बच्चा ठंड में तड़प रहा है ना अभी कहाँ से आया। ये तो ये बात तो वो भी जानते थे ना कौन जानते ये जानते थे कि मेरे पास दो बच्चा है जब बच्चा की वजह से जानते थे ये बात हाँ जानते थे। क्यों इसके साथ संबंध बनाए हम नहीं समाए हम तो पैसा लेने के चक्कर में इसके पीछे थे कि मेरा कैसे भी करके पैसा निकल जाए। आपको पता नहीं था कि दो तीन बच्चा है इनके पास पता तो है हम कहाँ बोल रहे नहीं पता हमको पता है इनके पास बच्चा है तीन को बच्चा उनके पति तो होंगे ना। अरे भैया मेरे पति से हो गया नहीं रहते उनके साथ ये रहते हैं मेरे साथ में 2.5 साल से रहते हैं 2.5 साल से अपने बिना शादी के रहने लगे। शादी किए हैं मंदिर में ले जा करके शादी किया है दो बार शादी किया रूम में सबसे पहले सेक्स करने से पहले शादी किए थे रूम में भी रूम में शादी करने के बाद उसके बाद मंदिर में जाके भी शादी किए हैं। ये बताइए कि उसका सबूत होता है ना मान लीजिए आपके सेक्स करने से पहले हाँ मेरे पास फोटो है फोटो दिखाइए फोटो दिखाइएगा फोटो फोटो तो आप बाद में हमें फोटो दिखा दीजिए ना कम से कम नहीं फोटो दिखाइए बाद में हम फोटो आपको फोटो दिखा दीजिए मुझे देखिए सच्चाई सामने आना चाहिए फोटो दिखाइए इसका मतलब झूठ बोल रही है आप झूठ बोल रही है तो शर्म नहीं है आप इसे इसे झूठ निकल जाएगा शर्म नहीं है हम स्क्रीन पर अपना फोटो डाल दें। आप क्यों भाग रही थी मीडिया से आप ये क्यों भाग रही है अब आप यही ना बताइए सर इसका अंदर के बाद हम क्या जाने मतलब अभी तो मेरे साथ इतना स्कैम क्या बात हुई है थाने में बात हुई है कि ये अपना घर जाए हम अपना घर जाएंगे हाँ। बोले हैं 6 तारीख को आने के लिए थाना प्रभारी बात की है हाँ बात किए हैं तो बोले हैं 11:30 बजे 6 तारीख को आ जाएगा। हम बोले ठीक है सर अभी बात पूरा नहीं हुआ है नहीं पूरा पूरी बात नहीं हुई है तो हम थाना से बाहर निकले तो थाना से निकला तो फिर क्या हुआ चुप रे थाना तुम थाना से निकला बता तो विमला मैडम का फोन क्यों किया क्या थाना से जब निकले तो हम बोले जाइए अपना घर हम अपना घर जा रहे हैं तो बोलता कि नहीं तू मेरे साथ रहेगा। अच्छा ये पहले बोल रही है कि हम इसके साथ रहना नहीं चाहते हैं और आप बोल रही है कि साथ में रहना चाह रहे हैं अब क्यों अब इसका दिमाग क्या है नहीं अब हम क्या बता सकते हैं मैडम आपने पहले बताया कि हम नहीं रहना चाहते मुंह नहीं देखना चाहते हैं इसका साथ में रहना नहीं चाहते आप बोल रहे हमसे क्यों झूठ बोला कि हम 3 दिन इसके साथ में सोए हैं ये पूछे क्यों 3 दिन बोला है यानी कि ये भी झूठ बोल रहा है अभी झूठ बोल रहा है नहीं हम इसके साथ रहना चाहते हैं मतलब 3 दिन सोया हम इसके साथ शुरू से ऐसे बोला है मेरा चैटिंग से लेकर के पूरा रिकॉर्डिंग तक सुन ली हम इसके साथ रहना चाहते हैं। बोले 3 दिन सोया है अरे तो हम 3 दिन ही रख रहे हैं तो रहे हैं ये बोला कि 2.5 साल ढाई साल कहाँ चांद पहचान तो आदमी से 1.5 साल से है ठीक है 1.5 साल से अब आप ही आदमी वो कहीं कहीं तुम भी झूठ बोल रहे हो और आप भी झूठ बोल रहे हैं यही ना हम झूठ नहीं बोले भैया हम जब 25,000 रुपया का सकार सकते हैं कि हाँ हमको बेटी का इलाज के लिए दिया है। एक चीज बताइए जब दोनों आदमी झूठ बोलिएगा तो थाना में क्या करेगा आप लोगों को भगा देगा ना इसे में हम क्यों झूठ बोलेंगे थाना में क्या आप लोगों का केस होगा भगा देगा हम झूठ बोलेंगे आप इनोसेंट हैं यहाँ पे निर्दोष आप निर्दोष नहीं है आप कहीं ना कहीं आप भी गलत है हम क्यों झूठ बोलेंगे गलत तो इतना है कि हम क्या बताएं तो क्या ना कहीं ना कहीं आप दोनों आदमी गलत बता रहे गलत इतना है ना अब दो बच्चे 3 बच्चे साथ में हैं फिर आप लोग संबंध बना रहे हैं हम कहाँ बना रहे अभी भी तो थाना से बाहर निकले तो जबरन पूछिए इससे
अभी बोली है कि नहीं पूछी क्या अभी बोले हैं? देखिए उसको बोल देना मार रहा है, सीधा बोल रही है। कौन मारा है आपको? कौन मारा है बोलिए ना। गला दबाया गया, गला दबाया गया, सब देखिएगा पूरा गला दबाया गया। 112 नंबर सब करते हो तुम? 112 नंबर पे कॉल की है और धमकी दी है कि हम फांसी लगा लें, कोई भी जिम्मेदार होगा। हम यही बोल रहे हैं मीडिया के सामने, फांसी लगाई तो कौन फंसेगा? तुम फंसोगे ना भैया। एक मिनट, हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं, आज के दिन हम फांसी लगा सकते हैं, कॉलेज लगाएंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों आदमी जो फंस रहे हैं एक दूसरे से, हम फांसी लगाएंगे, हम मरेंगे, लेकिन इसके वजह से मरेंगे। बच्चा क्या होगा? तो नहीं देखना हमको, कुछ नहीं देखना हमको, बर्बाद कर दिया है ये। हम आज के दिन में भी फांसी लगा सकते हैं। बच्चा है, कहीं ना कहीं तुम फंस गए हो ना इसमें। अरे तो आज के दिन में भी फंसा दिए तो हम क्या करें इसमें? ये बोल रहा है कि फंसा दिए, आप बोलेंगे मर जाएंगे। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, बस फांसी लगा लेंगे। दोस्तों ये हालत है यहाँ का, और इस तरीके से महिला थाना के बाद से लोग नौटंकी करती है, तो ऐसे में थाना प्रभारी जो है इनको अंदर में बात जब हम करते हैं थाना प्रभारी महिला से, वो कहती है कि दोनों का केस काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग में कहीं ना कहीं ये भी झूठ बोल रही है, ये भी झूठ बोल रही है। पहले बोलता है कि हम 3 दिन जो है मात रहे हैं इस महिला के साथ, ये कह रही है कि 2.5 साल लगातार हम इसके साथ रहे हैं, और इनके 2-3 बच्चे हैं, पति गायब है, यानी पति है ही नहीं, तो 3 बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ा सवाल दोस्तों। ऐसे में ऐसे लोग जो थाना में पहुंचते हैं और जिस तरीके से करतूत करते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है दोस्तों। कहीं ना कहीं ऐसे हजारों लोग आ रहे हैं, लगातार केस दर्ज हो रहा है, लेकिन ऐसे में ये दोनों लोग जो है कहीं ना कहीं खुद जो है गलत किए हैं। आज बच्चा को भुगतना पड़ रहा है, देखिए 2-3 छोटा छोटा बच्चा है जो भुगतना पड़ रहा है, कौन जिम्मेदार है? और ऐसे में ये लोग ऐसे ही सरेआम जो है महिला थाना में भड़क रही हैं, तफड़ी कर रही हैं, क्या ये दोनों बच्चे का जिम्मेदार कौन है इसका? अभी भी हम बोल रहे हैं हम कोई बच्चे का नहीं, हम आज कुछ ना कुछ अगर फांसी लगा लेते हैं जिम्मेदार कौन होगा? अगर हम फांसी लगा दे तो सिर्फ ये जिम्मेदारी होंगे, आज जिम्मेदार होगा हम क्यों होंगे? हम सिर्फ इनका वजह से फांसी लगाएंगे, हमको पता नहीं क्या। और क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। क्या नाम है इसका? सोनू कुमार। देखिए ये मेरे साथ का किया है, आप महिला हैं, नौटंकी देख रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए महिला थाना में मैं थे, जितना हमारे भाइयों दर्शकों हैं सबके मैं हम सलाम राम सलाम करना चाहते हैं। महिला थाना में थे और महिला थाना में इन लोग ने लौटंकी किया। मैंने एक लड़का कुमार है और इस 2 गो बच्चा है, ये 2 गो बच्चा वाले एक कुमार लड़का के पास आता है, मैं इसको तो बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए कि कोई लड़का मरा जा रहा है, कोई लड़का कुछ हो जा रहा है, ये सब कोई लड़की भी मरा जा रही है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ यदि तुम अपना पति के नहीं हुआ, मैं देखो मैं कोई घुसखोर आदमी नहीं हूँ, मैं घुस लेने वाला व्यक्ति ना हूँ, मैं स्वतंत्र है, सुनिए स्वतंत्र है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ ये दोनों का जेल होना चाहिए, इसलिए कि लड़का देखिए लड़का बच्चन है, ये बोलती है फांसी लगा लेंगे तो मतलब ये दोनों बच्चा कहाँ जाएगा? हम इस कहना चाहते हैं बिल्कुल। देखिए दोस्तों जिस तरीके से बच्चे का सवाल है और बच्चा मासूम है, इनोसेंट है, और ऐसे में दो तीन इनोसेंट बच्चे के साथ ये लोग इस तरह से कर रही है, तो ये बड़ा सवाल दोस्तों हमारे सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि सामाजिक जो मुद्दे आ रहे हैं, इस तरीके से हजारों केसेस आ रहे हैं, महिला थाना में लगातार नंबर लगा रहता है, लेकिन इस तरह से जो घटनाएं हो रही है इसका मुख्य जिम्मेदार इस तरीके से कौन होगा, बच्चे का कौन देखेगा? और ये लोग नौटंकी कर रही हैं, यानी कि महिला थाना के अध्यक्ष जो प्रभारी है उनसे बातचीत होती है तो कह रहे हैं कि काउंसलिंग लगातार जारी है, कई केसेज आ रहे हैं इस तरीके से, हम लोग भी लगातार कितना केस को हैंडल कर रहे हैं, अब देखिए उस समय के बाद काउंसलिंग और तेज हम लोग करते हैं, फिर बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है। शुक्रिया।